Koteri. ठीक है और इस वक्त रात के जो है ना 10 बज रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त हम आए हैं हनी भाई के साथ। हनी भाई, क्या हाल चाल है, कैसे? ठीक ठाक है जी। मैं भी फिट फिट। तो हनी भाई, इस टाइम हम क्या करने लगे हैं? बस वॉक पे जा रहे हैं सारे पेट्स को ले जी। तो आज जो है ना एक नई एंट्री भी आपको दिखाने वाले हैं, जो हमारे चैनल में एक नई एंट्री भी आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको उसका तारुफ कराते हैं, ठीक है। उसका तारुफ ऐसे है कि बहुत से लोगों को पता है मेरे पास सिम्बा था, जो कि बेचारा एक्सपायर हो गया हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, वैसे है कि सिम्बा का बेटा था, ठीक है। वो मैंने किसी फ्रेंड के पास रखवाया हुआ था, तो वहाँ से वो मुझे वापस आ गया। डिट्टो डिट्टो सेम टू सेम। नहीं भाई बताओ, प्रॉपर सिम्बा वापस आ गया। डिट्टो कॉपी, कलर, साइज, पर थोड़ा सा फेस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है उसका। बाकी हम चले आए, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद अब कुछ आज फीमेल्स अपनी उतारेंगे, ठीक है। और अपना हस्की जो है हमारा, ठीक है, वो मैक जो होगा वो साथ होगा, ठीक है। तो चले आए, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ठीक है। चले, तो ये सिम्बा का पट्टा था और ये सिम्बा की लीश थी, ठीक है ना। ये उसके डेथ के बाद से मैंने किसी को भी नहीं था पहनाया, ठीक है। तो ये आज सिम्बा के बेटे को डालेंगे हम। तो गाइस, ये हमारा बच्चा हो गया तैयार, ठीक है। इसको हमने लीश पट्टा छट्टा डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कानों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसकी फ्रेंड से स्टार्टिंग में बताया था कि अभी न्यूली मैंने परचेज किया, ठीक है। तो उसकी वजह से बस ना, तब इसके कान ईयर जो क्रॉप नहीं थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको प्रॉपर सिम्बा जैसी लुक दी जाए। तो फिर इसके ईयर भी क्रॉप करवा दिया, तो बस फ्रेश क्रॉप है उसकी वजह से थोड़ा सा ना। अभी वैसे मेरे कान साफ किए थे इसके, तो क्या कहते हैं, उसकी वजह से ना थोड़ा सा कान इसके वो हुए हुए हैं। तो अभी बहुत से लोग नीचे शायद कमेंट्स भी करें कि ये आपने जुल्म किया, ये ऐसे किया, ये वैसे किया। तो उस चीज़ की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिकल सर्जरी है, जो कि कई तरीक़ों से आप अपने बच्चों में भी करवाते हैं, ईयर प्रेसिंग, दांतों में ब्रेसेस जो लगवाते हैं, और मैं बहुत सी एग्जाम्पल्स इसकी आपको लाइव दे सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी हर बंदे की अपनी अपनी मेंटेलिटी है, ठीक है। इनकी एक प्रॉपर तरीके से सर्जरी होती है ये, ठीक है। अच्छे तरीके से इनको एनेस्थीसिया देकर, जिसमें इनको कोई पेन नहीं होता, ठीक है। तो उस तरीके से की जाती, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो इसको हमने तैयार कर लिया, बाकी अपने डॉग्स को चेन शेन बनाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, फिर सामने से मैक को पकड़ते हैं। मैक जो हमारा एनर्जेटिक बॉय है, तो फिर उसके बाद वॉक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डिट्टो कॉपी है हमारे सिम्बा की, ठीक है। ये फ्रेश इसके कान क्रॉप हुए हैं, जो कि अभी हफ्ते पहले आया टिकरमैन हमारे पास ना। तो बस इसको अब जो है ना उतारते हैं नीचे, तो आज वॉक सेशन में इसको भी ऐड करते हैं। इसको ऐड करने का जो है ना सबसे मेरा जो मेन मकसद ये था कि थोड़ा सा सोशलाइज भी नहीं है, तो बेहतर नहीं है नहीं भाई कि इसको जरा सोशल करें, ठीक है ना, डॉग्स में जरा इसको भी ऐड करें, लोगों के जरा रिएक्शन ले इसको देख के, क्या क्योंकि सबको यही लगता है कि सिम्बा जो एक्सपायर हो गया हुआ है, तो ये बिल्कुल डिटो कॉपी है उसकी, तो लोगों ने तो हिल जाना है। बाकी ये हमारे बच्चे दूसरे बैठे हैं, ठीक है। तो बस चलते हैं, अब इनको भी लिशी वगैरह डाल के तैयार कर दिया। कुछ बच्चे हमारे इधर है, ठीक है। ये अभी बेचारे बस ना परेशान हुए हुए हैं कि इनको नहीं हम लेके जा रहे, ठीक है। ये सैंडी बैठी हुई है, ठीक है। ये अंदर लूसी है, इसकी थोड़ी सी कंडीशन आउट है अभी, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि नहीं है नहीं भाई। हाँ, इसको जब बेहतर होगी वो भी आपको देख, हाँ वो बहुत सबसे प्यारी मेरी कह लो कि सबसे प्यारी फीमेल में से है वो। बाकी चले आए, अब ये सामने मैक साहब है इस घर में, तो ये बेसिकली मेरे मामू का घर है, ठीक है। तो यहाँ से मैक साहब को उतारते हैं, फिर वॉक स्टार्ट करते हैं। चले नहीं भाई, अपने बच्चे खोले, इनको नीचे लेके जाए, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। और दूर रखना यार, ये अभी इनका सीधा होता है, पड़ ना जाए। ये रहा, ये रहा, ये मैक साहब बैठे, मैक ये देख रहा है। ओए राम से, ओए इसको पीछे कर, हनी
मेरा फर्स्ट बार एक्सपीरियंस है जी। बॉस क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी बॉस क्या हाल है, ठीक है आप? ये चेहरा तो आप ऊपर देख रहे हैं। अच्छा अच्छा उतार रहे तुझे भी, सबर कर, उतार रहे हैं तुझे भी, सबर सबर उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, सबर कर जा, आ रहा हूँ मैं। खोल दो, पोंग पोंग के पागल हो गया। इंपल भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोल रहे ये है। जान है इंपल भाई को बुला। ओए मैक हाँ नहीं मारता, साइड पे करना। ऐसी एक मिनट कुकी कुकी बगीरा कालो शांत बच्चा। यार वो लोग तो मेरे घर पे नहीं है। कौन? इंपल भाई। अभी तुझे नहीं, वो मैं वो कह रहे थे ना बच्चों के साथ निकलना, हमने कहा मैं निकल गया। चलो फिर इनको लेके निकले, आ जाओ भाई, फिर आ जाओ। यार भाई का तारुफ ही नहीं कराया, भाई कौन है? यार ये भाई कोई पकड़ हाथ वाली है, ये पकड़ इधर है। ये भाई कौन है? ये भाई भी अपने छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, कजन कुजन है? हाँ वो तो भाई को मैं जानता हूँ ना, मलेशिया वाले भाई। भाई यार टांग ठीक होगी आपकी? चल लोगे आप? हाँ सही सही। तो उस दिन का दर्द थी टांग में आपके? ताज़ा ताज़ा था। ये भी ब्लॉग में आना। चलो जी आ रहे, चले चलो जी, पकड़ लेगा इसे। हाँ फिर भी इसने ना बिल्लियों बुलियों कुत्तों देख के ना अटैक करेगा। चलो आप चलो आगे आगे, भाई का भी डर लगता है। यार कोई पास से गुजर रहा हो ना, ये देखो भाई बिल्कुल आपने जैसे भाई ने पकड़े ऐसे शॉट कर लेना। और यार क्या कह रहा है? क्या 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 नंदू नाम है, नंदू सबका बंधु। नंदू भाई इधर देख के चलना, ये आपको क्या आपकी रस्सी पकड़नी पड़ेगी। नंदू भाई काय से मिलेंगे आप? हाँ बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, कब? सुबह सुबह लोग रात को मिलते हैं, आप बाद सुबह मिलेंगे। अभी वो काई को नंबर नहीं आ रहा होगा। नंदू ना नंदू भाई क्या क्या हो, आपको क्यों जुकते लगा रहे हैं यार? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कुत्ते वाली, कुत्तों में कैडी पोजिंग होती है, स्टैग होता है वो जो रिंग में खड़ा करते हैं स्टैग पे कुत्ता। स्टैग नहीं ये स्टैग है। तू सुसु कर रहा हो, तुझे ठुड्डे मार के भगा दूं मैं, कह दे अच्छा लगेगा तुझे? कोई नहीं मैं तो करता रहूंगा। हां करता रहूंगा, करता है भी रहूंगा, आपका जम जाएगा बीच में। इसी तरह बेचारा वो कर रहा था, उसको करने दिया करो। क्यों नंदू भाई सही कहा ना मैंने? क्या हुआ? उन्नीस को हाँ 19 को चल। अभी काय साहब ने देखना कैसी बंद करनी है इसकी। ओए जोर से पकड़ी इसको, सामने से भी आ रहा है कुत्ता, काय के साथ भी आ रहा है कुत्ता, हनी कुत्ता। थोड़ा सा आगे कर। ओए बस ओए बस, बस भगाना पीछे, त्राल निकालना बेचारे का गरीब का। चल बस आ जा। दूर आ,
नंदू भाई फोन कमिंग है, नंदू भाई सुन ले। अच्छा घर वालों का, घर वालों का फोन नहीं सुनते क्यों? अच्छा साढ़े कहते ने बाहर ही रहे हो। साइड पे करो यार, कौन सी और गाइड्स गुड न्यूज एक ये भी है कि ना हमें उम्मीद तो थी कि आगे फड्डा फुटा डालेगा फीमेल्स के साथ, मगर शायद फीमेल है इसलिए, मेल कोई होता तो शायद करता। इसने कोई इशू तो अभी तक खैर नहीं किया, ठीक है, बड़ा कूल टेम्परामेंट इनका रहा है, ठीक है, इनके साथ भी और इनके साथ भी, है ना। ये इसको और दो तीन सेशन और दिया ना इनके साथ ही तो बेहतर हो जाएगा ना। हाँ क्या पता कुत्तों को देख के टैग टूक करे, फिर है तो पिटबुल ही, फिर पिटबुल पिटबुल है ब्रो। यार ये वकर ना खुदा नजरे बस से बचाए, पूरी ब्लैक पैंथर ही लगती है कि नहीं, है ना। हमारा ये काला बच्चा, हमारा कालू बच्चा, चले बस फिर आप वापस। हाँ चलो आओ, चले चले। नंदू भाई को भी फोन आ रहे हैं, क्यों नंदू भाई? नंदू भाई को यार दोबारा भी मिलवाना मेरे से, दोबारा वॉक पे नंदू भाई को लेके आना। नंदू भाई से पहली पहली मुलाकात थी, बड़ा अच्छा लगा नंदू भाई से मिलके। हाँ क्या क्या कह रहा नंदू भाई, साइड पे रख के चलाओ। नंदू थोड़ा ना कितने पाया? सकलैन शाह उर्फ नंदू। नंदू उर्फ शौकत, हैशटैग वीडियो में हैशटैग होगा नंदू उर्फ शौकत। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। हनी भाई, सुनेमान भाई, नंदू भाई, नंदू भाई, नंदू भाई का नाम जो हो गया ना बड़े अच्छे तरीके से याद हो गया, ठीक है ना। आई होप के नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी अच्छी व्लॉग में, किसी अच्छी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।